सर। बाकी लोग कहाँ हैं? सर एग्जाम चल रहे हैं, सेशनल सेशनल चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम? सेशनल चल रहे हैं। वो एक दिन में दो दो सेशनल है ना, इसलिए। एक दिन में दो सेशनल है? हाँ जी, और सारे सेमेस्टर के चल रहे हैं, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ। चलो आप तो हो ना, ठीक जी सर। है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, 30 मिनट के यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ओके ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना, वो हमारी एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी है। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने का है कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 नंबर का, ठीक है, एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं पूछेंगे। एक से ज्यादा जब आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा, जब आपको ऑप्शंस में ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, तब ये आपको वहां हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो टर्म पता होना चाहिए, एक एफिनिटी और एक एफिकेसी। एफिनिटी का मतलब होता है कि जो आपकी ड्रग है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझो, जैसे एक की है और एक आपका लॉक है, अगर वो उसे उसी ताले की चाबी है तो उसकी एफिनिटी 100% है कि वो उससे बाइंड कर सकेगी। लॉक आपके पास वही है, सेम है, लेकिन आप की जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर रहे हो, तो किसी के पास एफिनिटी 10% होगी, किसी के पास 100 होगी, किसी के पास 70 होगी, ठीक है। तो एफिनिटी का मतलब है कि जो आपकी ड्रग है वो आपके रिसेप्टर पे कितने परसेंट बाइंड करती है, या कितनी उसकी एफिनिटी है वहां पे बाइंड करने, इसको आप बोलते हो एफिनिटी। सेकंड जो टर्म है उसको आप बोलते हो एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं ई से, ये बात आप ध्यान रखना कि इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब आपको मैंने यहां बताया कि की है और लॉक है, ठीक है, आपकी की 100% बाइंड हो रही है, मतलब जो आपका ये आपका ताला होता है इसके अंदर जा रही है, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पा रही है। इट मींस कि उसकी एफिनिटी तो 100% है, लेकिन जब तक वो लॉक नहीं खुल रहा है, मतलब उसकी एफिनिटी क्या है, 0% है, ठीक है। तो चाबी का ताले के अंदर जाने की एफिनिटी या अंदर जाने की जो प्रोसेस है उसको आप एफिनिटी बोलते हो, और उस चाबी से आपका ताला खुलेगा या नहीं खुलेगा उसको आप एक तरीके से एफिकेसी बोलते हो। खुल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी एफिकेसी में आ जाती हैं कि अगर आपकी ड्रग इस रिसेप्टर पे बाइंड की, इसकी एफिनिटी 80% थी, अब बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या कितना कर पा रही है, वो आपकी एफिकेसी है, ठीक है। अब इसी चीज को आप एक और तरीके से समझो, जैसे आपके पास दो ड्रग है, ये ड्रग नंबर वन, ये ड्रग नंबर टू, ये आपने डोज दी 300 mg पे, ये आपने डोज दी 100 mg पे, ठीक है। दोनों ड्रग की एफिनिटी सेम है, इसकी भी एफिनिटी सेम है और इसकी भी एफिनिटी सेम है, दोनों की एफिनिटी बराबर है, लेकिन ये ड्रग आपकी 100 mg पे ही आपका 100% इफेक्ट दे रही है, जबकि आपकी दूसरी ड्रग 300 mg पे 100% एक्शन दे रही है। तो आप क्या बोल देते हो, ऐसी ड्रग को पोटेंट ड्रग है, कि कम डोज में आपका ज्यादा एक्शन शो कर रही है, तो मींस उस ड्रग की एफिकेसी ज्यादा है, ठीक है, और हो सकता है उस ड्रग की एफिनिटी भी ज्यादा हो। तो ये आपका डिफरेंस है एफिनिटी और एफिकेसी में। ज्यादातर आपकी चीजें चलती हैं, वो चलती हैं एफिकेसी के हिसाब से, ई के ऊपर, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। यहां पर आपको कोई डाउट हो एफिकेसी और एफिनिटी में? सर ठीक है, अब इसी एफिनिटी और एफिकेसी के बेस पे हमने 4 पार्ट में ड्रग्स को डिवाइड किया है, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले एगोनिस्ट देखो, एगोनिस्ट वो है जिसकी एफिनिटी और एफिकेसी दोनों हाई है, सबसे हाईएस्ट है, उसको आप एगोनिस्ट बोल देते हो, ठीक है, और एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपका जो है वो लेके आता है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और हाईएस्ट एफिकेसी आप कितनी बोलते हो, हाईएस्ट एफिकेसी की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो 1 इसकी वैल्यू है कि अगर ये आपके रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो एफिकेसी को हम हमने क्या किया हुआ, -1 to 1 में डिवाइड किया हुआ है,
अब -1 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट, 1 सबसे हाईएस्ट, बिगेस्ट, तो इसकी एफिकेसी 1 है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब एगोनिस्ट की एफिनिटी भी सबसे ज्यादा है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी या फिर आप क्या बोलते हो एफिकेसी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके दो चीजें हैं। अब यहां पर आप देखो कि जब आप एगोनिस्ट बाइंड करता है तो आपके पास, आपने कोई रिसेप्टर पढ़ा होगा M1, M2, M3, जो मस्करेनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलीन बाइंड करता है। तो एसिटाइल कोलीन तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक्शन शो करता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है आपका, क्या होता है कि जब आपका एसिटाइल कोलीन की जगह कोई आपकी ड्रग बाइंड करती है तो वो भी एसिटाइल कोलीन जैसा ही एक्शन शो करती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ड्रग बाइंड कर रही है वो एसिटाइल कोलीन से भी ज्यादा एक्शन शो कर देती है, जो ड्रग आपकी एगोनिस्ट है, ठीक है। तो आप इस चीज को बोल सकते हो कि जो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, एंडोजीनस सब्सटेंस, जैसे एसिटाइल कोलीन प्रेजेंट है, जो ड्रग आपकी एसिटाइल कोलीन की तरह काम करती है, वैसे एक्शन शो करती है, उन ड्रग को आप एगोनिस्ट बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कंक्लूड करूँ दो पॉइंट में, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इन ड्रग्स की एफिनिटी और एफिकेसी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, और एफिकेसी की वैल्यू 1 है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो आपका एंडोजीनस सब्सटेंस है, क्या है, एसिटाइल कोलीन है या कोई और है, उसके जैसे काम करेगी, ठीक है, सेम वैसे ही काम करेगी। अगर यहाँ पर आप एड्रेलिन लेते हो तो जो आपकी ड्रग एगोनिस्ट है तो वो ड्रग आपकी एड्रेलिन की तरह काम करेगी, तो आप इसको एगोनिस्ट बोल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग क्या है, जिस ड्रग की एफिनिटी है, जिस ड्रग के पास कंप्लीट एफिनिटी है, 100% एफिनिटी है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है, एफिकेसी 0 है, ठीक है। अब एक काम किस तरीके से करती है, मान लो ये आपका क्या है, एंटागोनिस्ट है ए, ठीक है, और ये आपका एगोनिस्ट है। तो ये एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। तो इस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद आपका ये रिसेप्टर तो एक्टिवेट होता नहीं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं है, अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट ना होने का कारण क्या है, एंटागोनिस्ट है, तो इसकी एफिकेसी क्या है, 0। ये बाइंड तो कर रहा है लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से आपका प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि एगोनिस्ट अगर बाइंड कर जाता तो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट हो जाता, तो इसकी एफिकेसी वैल्यू क्या है, 0 ना। ये अगर आप एफिकेसी को देखो तो +1, 0 -1, +1 मतलब रिसेप्टर की एफिकेसी वैल्यू बढ़ रही है, 0 मतलब एफिकेसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, रिसेप्टर आपका जैसे था वैसे ही स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। -1 का मतलब है कि आपका रिसेप्टर का खुद का एक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और ये जो ड्रग है आपकी मिमिक नहीं करती है किसी भी चीज को, ये प्रिवेंट करती है, ब्लॉक करती है एक्शंस को, ठीक है। तो ये आपकी एंटागोनिस्ट है, जो ड्रग आपकी एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करती है, चाहे वो एगोनिस्ट आप बाहर से कोई ड्रग दे रहे हो या वो एगोनिस्ट आपकी बॉडी में प्रेजेंट कोई एंडोजीनस मॉलिक्यूल है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, जब आप एट्रोपिन देते हो तो एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन आपकी एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है और वो आपके एसिटाइल कोलीन को बाइंड नहीं होने देती, ठीक है। तो कंपाउंड या ड्रग आपकी बॉडी में है, आप ड्रग दे रहे हो, या बॉडी में आपकी कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई कंपाउंड है, उस टाइम पर एंटागोनिस्ट उसे बाइंड नहीं करने देगा, उसकी एफिकेसी क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहां से इस चीज को देखो, एफिकेसी 1 है तो आपको पता है कि ये एगोनिस्ट है, ठीक है। एफिकेसी अगर 0 है तो आपको पता है कि वो क्या है, एंटागोनिस्ट है। और एफिकेसी अगर आपकी एगोनिस्ट थोड़ी सी कम है तो वो क्या है, वो आपका पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। और अगर एंटागोनिस्ट से भी कम हो रहा है तब आप उसको बोल देते हो इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये आपके 3 केस है, मैंने आपको एगोनिस्ट बता दिया और एंटागोनिस्ट बता दिया, ठीक है। तो ये आपका रहता है। अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल का मतलब आपको पता है हाफ, 50%। तो पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है, इसकी एफिनिटी तो पूरी है,
एफिनिटी जितनी एगोनिस्ट की थी उतनी एफिनिटी आपके पार्शियल एगोनिस्ट की है, ठीक है, लेकिन इसकी एफिकेसी कम है, एफिकेसी इसकी कम है, तो आप इसको क्या बोल देते हो, इसकी लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। अब लो कितनी हो सकती है, 0 to 1, अब हो सकता है इसकी एफिनिटी 0.5 हो सकता है 0.8 हो, ठीक है, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, ये पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग, जो कि आपका बाइंड 100% कर रही है लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पा रही कंप्लीटली जितना कि कोई एगोनिस्ट करता है। इसलिए आप पिछले डायग्राम में देखो, यहां पर जैसे एगोनिस्ट कंप्लीटली बाइंड कर रहा था और आपका एक्शन पूरा दे रहा था, 1 पे इसकी एफिकेसी कितनी थी, 1 थी। अब यहाँ इसकी आप एफिकेसी देखोगे कितनी होगी, 0.8, दैट वी कॉल एज पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक बहुत फेमस है, पेंटाजोसिन, आपकी एक नार्कोटिक एनल्जेसिक ड्रग है जो कि आपकी क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है, तो ये आपका पार्शियल एगोनिस्ट है। इन ड्रग का एक्शन क्या है, इन ड्रग का एक्शन किस किस के बीच में आते हैं, ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, तो इन ड्रग, ये जो ड्रग है आपकी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में आती है। यहाँ पर देखो आप कि ये वाली जो ड्रग है ये आपका एंटागोनिस्ट है और ये आपका एगोनिस्ट है, इनके बीच में जो है आपका पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, तो ये ड्रग इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है। अब बात आती है इनवर्स एगोनिस्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनवर्स एगोनिस्ट का एग्जाम्पल क्या है। अब जनरली क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट होता क्या है, अब इसमें देखो नाम तो है एगोनिस्ट लेकिन इनवर्स है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो हर टाइम एक्टिवेट रहते हैं, जैसे गाबा रिसेप्टर है, आप बेंजोडाइजीपाम या कोई और ड्रग लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी बॉडी में हमेशा एक्टिव है, ठीक है। अब गाबा का एक्टिवेट होना हमारी बॉडी में जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमें एंजाइटी से बचाता है, ये हमें डिप्रेशन से बचाता है और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये आपको क्या रखता है, आपकी बॉडी को काम रखता है, ये आपकी बॉडी में हमेशा एक्टिवेट है। अब यहाँ पर कोई एगोनिस्ट तो है नहीं, कोई भी एगोनिस्ट नहीं है यहाँ, ये खुद ये रिसेप्टर आपका खुद से पहले से ही एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप कोई ऐसी ड्रग दे देते हो, आप कोई ऐसी ड्रग दे देते हो जो इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर को, जो बिना एगोनिस्ट के ही एक्टिवेटेड है, उसकी एक्टिविटी को कम कर दे, तब आप क्या बोलते हो, उसको इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हो, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर आप क्या देखते हो कि यहां पर जब आप इनवर्स एगोनिस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक्टिविटी कितनी कर दी, उसका एफिकेसी क्या है, -1 है, मतलब जो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट था बिना एगोनिस्ट के, तो उसने क्या किया, जो रिसेप्टर एक्टिवेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 होगी, तो उसकी वैल्यू को ये -1 ले आया। जैसे ही आपका इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड किया, वो एक्टिवेट रिसेप्टर आपका क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। जैसे ये आपका गाबा रिसेप्टर है, गाबा है, ठीक है, अभी गाबा रिसेप्टर आपका एक्टिवेट था, यहां से क्लोराइड आयन जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्या करा, आपने एक ड्रग दे दी बीटा कार्बोलिन, बीटा कार्बोलिन जैसे ही इस साइट पे बाइंड करेगी तो क्या होगा, ये रिसेप्टर इनएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी आपका ये एक्शन जो है इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव सिग्नलिंग देने लगेगा, ठीक है, इस केस को आप बोलते हो इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट के केस में आपको एगोनिस्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो इनवर्स एगोनिस्ट को, कि जिसकी एफिनिटी फुल है लेकिन एफिकेसी क्या है, -1 है या 0 to -1 है, ठीक है, तो ये आपका इनवर्स एगोनिस्ट है। आप एग्जाम्पल याद रखना बीटा कार्बोलिन का, जो कि आपका एक इनवर्स एगोनिस्ट है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर का, ठीक है, तो आपका ये यही है कि ये किस तरीके से अलग है। इस ड्रग को हम एक नेगेटिव एंटागोनिस्ट नाम से भी जानते हैं, नेगेटिव एंटागोनिस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर एगोनिस्ट की जरूरत नहीं है। जब आप कंपिटिटिव इनहिबिशन देखते हो तो आप देखते हो ना कि वहां पर दो ड्रग हैं, दोनों कंपीट कर रही हैं एक साइड पे बाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एगोनिस्ट है ही नहीं, इसलिए ये जो आपका इनवर्स एगोनिस्ट का केस है,
ये आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म से अलग है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट के केस में आपका काम चल रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये बेसल एक्टिविटी जो रिसेप्टर की है, जैसे मैंने यहाँ पर गाबा की बताया, उसको कम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये आपका मेनली था। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और कवर कराऊंगा। पहला मैंने आपको बताया एगोनिस्ट, जिसकी वैल्यू +1 है, एंटागोनिस्ट जिसकी वैल्यू 0 है, उसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट जिसकी वैल्यू क्या है, 0 to +1। और ये वैल्यू क्या है, ये ई की वैल्यू देख रहे हैं, एफिकेसी देख रहे हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, जिसकी वैल्यू 0 to -1। इनवर्स एगोनिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, अब मिक्स्ड क्या है, जहां पर आपकी ड्रग एक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की तरह काम कर रही है, दूसरे रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रही है, इसको आप बोलते हो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, या फिर आप मिक्स्ड बोलते हो। अब इसमें आपको जो नारकोटिक्स वाली ड्रग है ना, वो आपको ज्यादातर एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे ओपोइड्स है। ओपोइड्स के रिसेप्टर क्या है, म्यू है, कापा है, सिग्मा है, डेल्टा है, कुछ इस तरीके के आपके रिसेप्टर है। ठीक है, और ये जो मिक्स्ड वाला जो केस है ना, मिक्स्ड एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट वाला केस, ये ओपोइड्स में ही देखने को मिलता है। इसलिए ये दो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा इसके केसेस नहीं देखने को मिलते। जैसे आपकी ड्रग है पेंटाजोसिन, पेंटाजोसिन कापा रिसेप्टर पे और सिग्मा रिसेप्टर पे क्या है, एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है, और वहीं ये ड्रग सॉरी ये आपकी ड्रग यहाँ पर एगोनिस्ट की तरह काम करती है, और वहीं ये ड्रग जो आपका म्यू रिसेप्टर है, म्यू रिसेप्टर पे क्या करती है, एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। तो कापा और सिग्मा पे एगोनिस्ट की तरह काम कर रही है, म्यू रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रही है। इसलिए जब आप अपोइड्स देते हो तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, कहीं पे वो ड्रग एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, कहीं एंटागोनिस्ट की तरह। ऐसे ही आपकी एक ड्रग है ब्यूट्रोफेनोल, ये ड्रग आपकी पार्शियल एगोनिस्ट है, कहां पर, म्यू रिसेप्टर पे। ठीक है, प्योर एगोनिस्ट है कापा अपोइड रिसेप्टर पे, और एंटागोनिस्ट कहाँ है आपके, डेल्टा रिसेप्टर पे। तो देखो इसमें इस ड्रग ने क्या क्या कवर कर दिया, एगोनिस्ट को कवर कर दिया, पार्शियल एगोनिस्ट को कवर कर दिया, और एंटागोनिस्ट को कवर कर दिया। इसलिए ये दो जो आपके एग्जाम्पल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मिक्स्ड एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल क्या है, तो ये दो एग्जाम्पल आपके मिले, एक दो एग्जाम्पल आपको ब्लड प्रेशर में मिलेंगे। तो यही था, मुझे इतना ही बताना था। ठीक है, आपको कहीं कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, बताओ। आज तो पूरा